नमस्ते दोस्तों, मैं प्रमोद और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोडका के बारे में। वोडका क्या होता है, कैसे बनता है, फ्लेवर्ड वोडका और रेगुलर वोडका में क्या डिफरेंस होता है, और वोडका का डिस्टिलेशन मेनी टाइम क्यों होता है, और जब भी हम वोडका सर्व करते हैं तो उसके साथ में लेमन स्लाइस क्यों देते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वोडका क्या होता है। वोडका जो है वो एक कलरलेस ऑर्डरलेस डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज है जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अचीव किया जाता है। दोस्तों, वोडका प्रोड्यूस करने में हम कोई भी इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं जिसमें फर्मेंटेबल शुगर पाया जाता है, जैसे रे, बार्ले, व्हीट, पोटैटो या फिर ग्रेप्स। इन सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं। वोडका का नेचर जो होता है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस और फ्लेवरलेस होता है। वोडका हो या फिर पोटैटो या फिर ग्रेप्स, मीन्स फ्रूट फ्रूट बेस्ड वोडका हो, उस प्रोडक्ट का फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट करने के बाद फिर उसका डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन करने के बाद जो है इसमें जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस जो यूज होता है, दैट पॉट स्टिल डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो पॉट स्टिल डिस्टिलेशन प्रोसेस से वोडका अचीव होती है और उसके बाद बॉटलिंग हो जाती है। बॉटलिंग के बाद ये मार्केट में सेल होने के लिए आ जाती है। और वोडका एक ऐसा लिक्कर है जो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आते हैं, इनके टेस्ट पे, इनका टेस्ट कैसा होता है। तो अगर आप देखें जो पोटैटो बेस्ड वोडका होते हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग टेस्ट के होते हैं, उनका हार्श टेस्ट होता है, मेडिसिन टेस्ट देते हैं, वो फुल बॉडीड लिक्कर होता है। और ग्रेन वोडका जो होते हैं, चाहे वो रे, बार्ले, वीट, किसी भी ग्रेन से बने वोडका होते हैं, तो जो ग्रेन वोडका होते हैं वो स्मूथ होते हैं और क्रीमी टेस्ट के साथ होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें डिस्टिलेशन, तो वोडका में आप देखते हैं वोडका की बॉटलों पे अगर आप देखें तो उसमें कई बॉटलों में लिखा होता है 5 टाइम डिस्टिल्ड, 3 टाइम डिस्टिल्ड, 2 टाइम डिस्टिल्ड, यहाँ तक कि कुछ बॉटल्स 21 टाइम तक डिस्टिल्ड होती हैं। तो इतनी ज्यादा डिस्टिलेशन का क्या रीजन होता है, क्यों 21 टाइम तक वोडका डिस्टिल्ड की जाती है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। वोडका एक्चुअली जितनी ज्यादा बार डिस्टिल्ड की जाती है उतना ज्यादा उसका इम्प्योरिटी लेवल, जो उसमें इंग्रेडिएंट यूज हुआ होता है उस इंग्रेडिएंट की इम्प्योरिटी जो होती है उसमें, उस इम्प्योरिटी को डिक्रीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम डिस्टिलेशन होता है। तो डिस्टिलेशन ज्यादा बार होने से, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार डिस्टिलेशन होने से उनका इम्प्योरिटी लेवल डिक्रीज होता है और उसका जो है टेस्ट जो है उसका स्मूथनेस इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा डिस्टिलेशन होगा उतना ज्यादा इम्प्योरिटी लेवल डाउन होता है, और जिसमें जो कम डिस्टिल्ड होती हैं वो हमारे हेल्थ के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होती हैं, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा होती है। तो लेस इम्प्योरिटी मीन्स बेस्ट वोडका, मीन्स ज्यादा से ज्यादा टाइम तक डिस्टिल्ड वोडका को हमें ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। अपना नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फ्लेवर्ड वोडका और रेगुलर वोडका में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, कभी भी देखिए आप, फ्लेवर्ड कोई भी लिकर होता है तो उसको हम लिक्योर में काउंट करते हैं, लेकिन वोडका और वाइट रम में जो भी फ्लेवर्ड होते हैं तो उनको हम फ्लेवर्ड लिकर ही बोलते हैं। इसके पीछे एक रीजन होता है, वो रीजन है जब कोई भी फ्लेवर्ड लिक्योर होता है, फ्लेवर्ड लिक्योर और लिकर में एक फ्लेवरलेस और ऑर्डरलेस वोडका होती है, उसमें उस जिस टेस्ट को हमें अचीव करना है उस टेस्ट को, मान लीजिए अगर एप्पल टेस्ट हमें लेना है, एप्पल को उसमें डालते हैं, डाल करके रिडिस्टिल कर दिया जाता है। रिडिस्टिलेशन से हमें एप्पल फ्लेवर वोडका अचीव हो जाती है। अगर ऑरेंज होता है तो ऑरेंज पिल डाल करके उसको रिडिस्टिल कर दिया जाता है और हमें ऑरेंज फ्लेवर वोडका अचीव हो जाती है। जबकि अगर लिक्योर में देखें तो लिक्योर में ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट के साथ में शुगर ऐड होता है, तब उसके बाद वो लिक्योर अचीव होता है। जैसा कि दोस्तों अपना लास्ट पॉइंट था, हम वोडका के साथ लेमन क्यों सर्व करते हैं। वोडका के साथ लेमन सर्व करने का यूजुअली फ्लेवरलेस होता है वोडका, तो जब एक लेमन स्लाइस हम वोडका में डाल देते हैं तो वोडका में वो लेमन एक लेमन टेस्ट रिलीज करता है। वो लेमन स्लाइस एक तरह से उसमें एक फ्लेवरिंग एजेंट का काम करता है। थैंक यू दोस्तों।